ना मैं गिरी न मेरी उम्मीदों की मीनार गिरी, वाह ना मैं गिरी न मेरी उम्मीदों की मीनार गिरी, वाह वाह वाह, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरी। सवाल सिर्फ जहर का नहीं था, सवाल सिर्फ जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गई, पर तकलीफ लोगों को तब हुआ जब जहर पी कर भी मैं जी गई। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या शेर मारा, क्या मारा है यार, क्या मारा है। कैटरीना मैम की बॉडी ड्यूब करती हूँ, ओके, करीना मैम की बॉडी ड्यूब करती हूँ, उनके एड्स में, मूवी में किया मैंने, मैंने सलमान जी से भी गॉडफादर मूवी में एक फीचर में मैंने उनके साथ काम किया। अरे वाह, आज हमारे साथ हैं मनीषा जी, कैसी हैं? मनीषा सॉरी, माफ करना, गलती हो जाती है। नमस्कार, मैं जिम्मी जोरदार आपका स्वागत करता हूं हमारे शो भाई भूख लगी है मैं, और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस जिनका नाम है मनीषा जी। मनीषा जी कैसी हैं आप? दानिशा, ओह थोड़ा प्यार से, सॉरी सॉरी दानिशा, सॉरी माफ करना, गलती हो जाती है। दनीषा जी, या कैसी हैं दनीषा जी आप? बहुत खूब, बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? मैं तो जी बस चल रहा है जी अपना, अब और क्या ही बताओ। आप ये बताइए कि हमारी पब्लिक ये जानना चाहती है कि आप इस करियर में कैसे आए, मतलब एक्टिंग आपने कब चूज की और कब आपने अपना करियर स्टार्ट किया? मैंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, देन वहाँ पे मैं गॉड ब्लेस की मैं फर्स्ट रनर अप टाइटल विनर बनी। ओ, कहां पर किया था लेकिन ये आपने? ये थाने में हुआ था। थाने में, वेरी गुड, इन्होंने मुंबई में, मुंबई के पास थाने हैं, इसी एरिया में आता है, वहां पर इन्होंने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, वहां से इनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। देन वहां से विनर बनने के बाद okay. मैं मुझे कास्टिंग से कॉल आने लगे। वेरी गुड, कास्टिंग क्या होता है मुझे इसके भी कोई नॉलेज नहीं थी जी। कास्टिंग के बारे में हम एक और एपिसोड बनाएंगे और वहां पर हम कास्टिंग के बारे में भी आपको बताएंगे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं दनीषा जी से। दनीषा जी बताइए फिर क्या हुआ आगे का प्रोसीजर, तो कैसे मुझे कास्टिंग क्या होता है कोई नॉलेज ही नहीं था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो मुझे एक दिन कॉल आए, जो मैम आपकी प्रोफाइल सिलेक्ट हुआ है, तो मैं शूटिंग पे गई, शूटिंग एंजॉय किया मैंने, तमन्ना जी के साथ एक शूटिंग था मेरा वेब सीरीज का, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। फिर धीरे धीरे मुझे और भी कॉल आने लगे, मैं काम करते गई करते गई, अभी मैं एज ए लीड एक्ट्रेस काम कर रही हूँ मैं। कैसे आया, आपको क्या लगा कि मतलब मुझे मुंबई जाना चाहिए, एक्टिंग करनी चाहिए, मतलब वो जर्नी आप मुझे बताइए मुंबई आने तक की। एक्चुअली मैं स्कूल लाइफ से पैशनेट थी, बट कुछ रीजन था जो हो नहीं पाया। ओके, तो मैं, मेरा होम टाउन कोलकाता में है, रसोगुल्ला, रसोगुल्ला पॉइंट बी नोटेड। तो मैं 4 साल हुआ मुंबई आई हूँ इस काम के दौरान, बट मुझे प्रॉपर वे नहीं मिल रहा था, कहाँ से जाऊँ मैं, किसे काम करूँ मैं, कुछ वे नहीं मिल रहा था मुझे। तो बहुत ढूंढ कर मुझे एक मिला, एक कास्टिंग के नंबर। स्टार्टिंग डेज में काफी स्ट्रगल करना बहुत मैं घूमी, एक साल तक मैं ऐसे ही, मतलब मुझे शक होता था मैं सही जा रही हूँ कि मैं गलत जा रही हूँ, क्या करना चाहिए, लोगों को डाउट होता है, डाउट होता है, मैंने बहुत सुना था। एक्चुअली हम लोग जो सुनते हैं ना, ये 100% सही नहीं रहता है, जब तक आप मैदान पे नहीं उतरोगे आपको एग्जैक्ट पता नहीं रहेगा आप कहाँ जाने वाले हो। वेरी गुड, तो अपना जो जर्नी है ना मैंने खुद इन्वेंट किया है। ओके ओके ओके, तो मैं अभी मैं इतना पैशनेट हूँ काम को लेकर, जो ऊपर वाला मेहरबान, मेहरबानी बोला जाता है, जो मैं अच्छा काम कर रही हूँ। ओके ओके, अच्छा मैं अब इनसे ये जानना चाहूंगा कि प्रेजेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में, अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो मैंने बहुत सारे छोटा छोटा काम किए, जैसे लाइक वेब सीरीज किया मैंने, लीड में काम किया मैंने। ओके, नेक्स्ट मेरा प्रोजेक्ट है ये आपका हॉलीडे गिफ्ट वाउचर, और इसमें एज ए लीड आर्टिस्ट मैं काम कर रही हूँ कपल का, बहुत बढ़िया। और मेरा को आर्टिस्ट है विवेक, ही इज ए गुड एक्टर, वेरी गुड। तो बहुत सस्पेंस है इसमें, आप लोग एंजॉय करिएगा, अपडेट मिल जाएंगे बहुत जल्द। वेरी गुड वेरी गुड, अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मतलब आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, मतलब 5 साल के बाद अगर मैं कहूँगा तो? एक्चुअली 5 साल मेरे पास है ही नहीं। अच्छा, मैं 5 साल तक इंतजार कर रही हूँ। ओ, तो मुझे अभी हॉलीवुड बॉलीवुड तक काम करना है जल्दी से जल्दी। आप चाहते हो, क्योंकि मैं सपना बहुत देखती हूँ, आज जो भी हो सपना देख ही कर मैं यहाँ तक आई हूँ, तो सबको सपना देखना चाहिए। देखिए, आपको जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो भैया सपने तो देखने पड़ेंगे, आप देखोगे नहीं तो आप सोचोगे कैसे, और सोचोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। वेरी गुड, और ये बड़ा कलरफुल सा, ये क्या है? एक्चुअली ये लेडीज पर्स है।
मेरा लाइफ बहुत कलरफुल मैं रखती हूँ। अरे वाह, जिंदगी में कलर तो होना चाहिए। कलर तो होना ही चाहिए, क्योंकि कलर अगर नहीं हो तो जिंदगी में कुछ ना हो। एक तो लाइफ में म्यूजिक होना चाहिए। वेरी गुड, आई एम ए बिग म्यूजिक लवर। देन लाइफ कलरफुल होना चाहिए। मैं खुद कलरफुल हूँ, कलरफुल रखती हूँ अपने आप को। आप हैं, थोड़ा सा आपके अंदर स्टाइल है। मैं बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को देखा है, बट थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं, बट आप थोड़ा सा डिसेंट एक अपनी पर्सनालिटी कैरी करके चलते हो, बड़ी अच्छी बात है। बट इसके अंदर कुछ कलरफुल कुछ है, कुछ कुछ है ऐसा, कुछ दिखाना चाहिए पब्लिक को। इसमें मेरा जो फेवरेट जादू का पिटारा भी क्या निकालू मैं, ये मेरा फेवरेट लिपस्टिक है। क्या बात है, ये जंगली लड़कियों के उसमें रहता ही है। क्या बात है, मतलब ये अपना थोड़ा सा मेकअप के साथ का जो मेरी खूबसूरती है यहाँ से ही आती है। अरे वाह, तो कलरफुल आप देख रहे हो। और क्या बताऊं, लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, लड़कों को नहीं रखनी लिपस्टिक। मुंबई में इतना टाइम बिताया, बहुत सारी जगह काम किया, बहुत सारे सीरीज में काम किया, अभी प्रेजेंट सीरीज इनकी आ ही रही है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि धनिषा जी, अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? गुड फ्यूचर, अभी मुझे बॉलीवुड हॉलीवुड सब जगह काम करना है। बहुत हार्ड वर्किंग हूँ मैं, हर काम में मैं थोड़ा सीरियसनेस रहता ही है मेरा। क्या बात है, तो अभी तो नापी है दो गज जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। क्या बात है, क्या सारा यूनिवर्स पड़ा है। वेरी गुड। सो तनिषा जी, आप थोड़ा सा बताएंगे आपकी, आप मुंबई शहर में इतना टाइम हो गया, दो चार साल आपने बताया इतना हो गया, यहाँ की जर्नी जो है, जैसे कहते हैं कभी खुशी कभी गम, कभी ज्यादा सफलता मिल जाती है, कभी कुछ भी नहीं होता है, इन सब के बीच में मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी में प्यार का कोई धागा मिला है आपको, कुछ कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है आपका, या मतलब आप करियर पे फोकस कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में? प्यार मोहब्बत तो सबके लाइफ में ही रहते हैं। वेरी गुड, बट ये अभी मैं छेड़ना नहीं चाहती हूँ। पर्सनल क्वेश्चन है, तो अभी मैं काम पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नाम फेम सब कुछ चाहिए। अभी इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, सबसे पहले अपना नाम और करियर बनाना है, ये तो साथ साथ आते जाएंगे। जैसे कि धनिषा जी ने कहा कि इनको बॉलीवुड और हॉलीवुड में काम करना है, तो धनिषा जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, बॉलीवुड में आपने अभी कुछ काम किया है रिसेंटली, कुछ किसी लोगों के साथ? हाँ मैंने किया है, मैंने काफी सारे एक्टर से मिली हूँ, जैसे मैं कैटरीना मैम की बॉडी ड्यूब करती हूँ, करीना मैम की बॉडी ड्यूब करती हूँ, उनके एड्स में मूवी में किया मैंने, तो एक अच्छा जर्नी रहा मेरा ये, जब से मैंने स्टार्ट किया है तो मेरा रेगुलर रहता है, बहुत एंजॉय करती हूँ। आपका मैंने फोटो भी देखा है इंस्टा पे आमिर खान जी के साथ, तो आप मिलते रहते हो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से। आमिर खान जी, मैंने सलमान जी से भी गॉडफादर मूवी में एक फीचर में मैंने उनके साथ काम किया। अरे वाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, धनिषा जी से। तो देखिए क्या है कि जिंदगी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, कलकत्ता से, ये मुंबई आए, मुंबई में स्ट्रगल किया, कोई नहीं जानता था, और फिर धीरे धीरे इनकी लाइफ की जर्नी जो है वो थोड़ी थोड़ी चेंज हुई, इनको लोग बुलाने लगे, कॉल्स आने लगे, और अभी ये बॉलीवुड सेलेब्स के साथ भी काम कर रहे हैं, और इनकी जर्नी ये चाहती है कि हॉलीवुड तक जाए। क्या बात है धनिषा जी, अब आप हमारी पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहती हैं कि अगर वो आना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया हो, कैसे आए, क्या कोई तैयारी करके आना चाहिए उनको, या फिर आ जाए, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे? आप ही बताइए, मैं क्या बताऊं यार, धनिषा जी बताएंगे। हाँ, जरूर, बहुत अच्छे सवाल है आपका। पहले तो एक्टिंग में आपको आपका पैशन होना चाहिए, आप जितने पैशनेट होगे आप उतना काम कर पाओगे। वेरी गुड, एक नशा होता है। क्या बात, क्योंकि हर एक काम का ना टाइमिंग होता है, 24 आवर्स में आप 8 घंटा दो, आप 10 घंटा दो, बट एक्टिंग लाइफ में ना कोई टाइम टेबल नहीं है, आप कहीं भी कभी भी काम करते हैं। हम लोग नशा एक्टिंग का भी हो सकता है, पॉइंट टू बी नोटेड, काम इनको सोने नहीं देता, ये चाहती है मैं बस काम करूं काम करूं काम करूं और नाम करूं। और मेरा एक और एक ख्वाहिश है। वेरी गुड, बताइए क्यों। मैं काम करके जो भी मेरा लाइफ में नाम फेम मनी होगा, ये मैं एक बहुत बड़ी ट्रस्ट खोलने वाली हूँ। अरे वाह, और मैं इन फ्यूचर में पॉलिटिक्स भी ज्वाइन करने वाली हूँ। अरे वाह, तालियां, देश को जरूरत है ऐसे लोगों की जो आए सामने और देश के लिए कुछ करें, क्योंकि आज का जो लोकतंत्र है जो हमारा भ्रष्ट तंत्र बन चुका है, ऐसे लोग चाहिए। और बेसिकली मैं वुमेन्स के ऊपर काम करना चाहती हूँ। ओके, क्योंकि मोस्टली हम लोग ने देखते है ना, जो लड़के होते हैं उनके 7 डेज वर्किंग में एक दिन उनके छुट्टी रहते हैं, बट हाउस वाइफ के लाइफ में
7 days ही वर्किंग रहते हैं। अब मान लो आपके फीवर भी है तो आपको आपके हस्बैंड बोलेंगे एक कप चाय तो बनाकर दे सकती हो ना। तो हम लोग 7 days वर्किंग रहते हैं, कम से कम एक दिन संडे का दिन छुट्टी चाहिए। ये अच्छी बात इन्होंने कही है कि यार वाइफ को भी तो यार चाहिए कि यार कि मैं नहीं कर रही हूँ आज काम, तुम कर लो आज यार काम, ऐसा होना चाहिए। एक मतलब मन से कोई हस्बैंड अगर आपके लिए कुछ करता है तो ये खुशी जितना मिलती है ना, मतलब आप ऐसा लगोगे कि आप हेवन में हो। तो चलो कोई आपके लिए कुछ कर रहा। पॉइंट टू बी नोटेड, प्यार चाहिए बस लाइफ में, कुछ हो या ना हो। क्या बात है, प्यार होना चाहिए। और ये प्यार आप 80 साल 90 साल 100 साल जो भी हो कम होना नहीं चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए उम्र के साथ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। हरीशा जी से मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जिमी जी बहुत हो गया अभी, भाई भूख लगी है, कुछ खाने का ऑर्डर करो। कब से ये क्वेश्चन आंसर का राउंड चल रहा है? नहीं नहीं, बात तो धनिशा जी ने सही कही है। अब चैनल भी हमारा भाई भूख लगी है। खाने भी कितना अच्छा अच्छे, ओ माय गॉड, क्या क्या खाना चाहिए? बर्गर 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 ही खिलाए थे इनको, बर्गर खिलाते हैं। मैकडोनल्ड से बर्गर मंगाया जाए धनिशा जी के लिए। थैंक यू। ये रहा खाना, धनिशा जी को बहुत भूख लगी थी और मैं कैसे मना कर सकता था। ये आ गया इनका फेवरेट फूड फ्रॉम मैकडोनल्ड्स। धनिशा जी थैंक यू। जिमी जी खाइए, मैं फूडी हूँ, आप खाइए और मैं ये अपना थोड़ा सा मिक्स। मजा आया ना, अभी मजा आ रहा है, बहुत भूख लगी थी, बहुत भूख लगी थी। ओए ओए ओए, अभी ऐसा लग रहा है चलो भाई भूख लगी है। थैंक यू जिमी जी। ना मैं गिरी न मेरी उम्मीदों की मीनार गिरी, वाह वाह, न मैं गिरी न मेरी उम्मीदों की मीनार गिरी, वाह वाह वाह, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरी। सवाल सिर्फ जहर का नहीं था, नहीं था सवाल सिर्फ जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गई, पर तकलीफ लोगों को तब हुआ जब जहर पी कर भी मैं जी गई। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या मारा है, ओहो मजा ही आ गया। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या शेर मारा, क्या मारा है यार, क्या मारा है, सारी शेरनी विधवा हो गई।